को धार देने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली रोड स्थित एक होटल में भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया। साथ ही कहा कि प्रदेश में संगठन बहुत मजबूत है, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हमें अपने बूथ को मजबूत करना होगा। इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है। 2019 में हम मुरादाबाद हारे थे, लेकिन इस बार 2024 में हम बड़े वोटों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्ष का कोई कार्यकर्ता अभी मैदान में नहीं निकला है। वहीं उन्होंने कहा कि 2014 में हम प्रदेश की 73 लोकसभा सीट जीते थे, लेकिन 2024 में हम सभी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 80 सीटें उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है। मुरादाबाद हम 2019 में हारे थे, लेकिन 2024 में फिर से जीतने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। सपा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं जिसमें उनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत देश बनता हुआ आगे बढ़ रहा है और बसपा का कोई भविष्य नहीं है। इसे सबसे मैं अपील करता हूं कि 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए कमल के फूल को ओढ़ दें। हम भरोसा दिलाते हैं लोगों को कि जिस प्रकार से दुनिया का कोई विकसित देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, वैसे भारत भी बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश भी बढ़ेगा, मुरादाबाद भी बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है। अभी विपक्ष का कोई नेता घर से नहीं निकला, हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर दिन रात परिश्रम कर रहा है। इसीलिए मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 2014 में हम 73 लोकसभा सीटें जीते थे, लेकिन 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीते।